हेलो फ्रेंड्स, सीबीडीटी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है 18 जुलाई 2020 को। आज हम लोग उसके संबंध में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं कि इस प्रेस रिलीज में सीबीडीटी ने जो जारी किया है क्या कहा है। इस प्रेस रिलीज में बताया गया है, न्यू फॉर्म 26AS इज द फेसलेस हैंड होल्डिंग ऑफ द टैक्स पेयर्स। तो टैक्स पेयर्स जो कि अभी तक ये जानते थे कि 26AS फॉर्म में हम लोग TDS, TCS इस तरह की कि कितना TDS कटा है, कितना TCS है, कौन से ट्रांजैक्शन है, उससे संबंधित चीजें हुआ करती थी। लेकिन अब ये एक बहुत ब्रॉड स्केल पर आ गया है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई हैं। तो वो इंफॉर्मेशन हमें देखने के लिए 26S को देखना है, जो कि बिल्कुल एक न्यू फॉर्म में आ चुका है। अब केवल इसमें TDS और TCS से ही संबंधित नहीं है, बहुत सारी चीजें और इनबिल्ड कर दी गई हैं जिनको हम न्यू फॉर्म 26S के अंतर्गत देखेंगे। तो आइए देखते हैं 26S फॉर्म में क्या क्या चीजें इनबिल्ड की गई हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये आपके अब बहुत अधिक काम आने वाला है और ITR आप बिना 26AS को देखे नहीं भर पाएंगे। और इसमें से जो टैक्स चोरी करते हैं लोग, वो लोग अब किसी भी तरह से बच नहीं पाएंगे। तो ये देखना जरूरी है कि हमें उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलने वाली हैं, और ITR फाइल करने से पहले हम उन इंफॉर्मेशन को जरूर एक बार देख लें, मैच जरूर कर लें। मैच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई चीज आपसे छूट जाए और आपको बाद में दिक्कत का सामना करना पड़े। तो द न्यू फॉर्म 26AS इज द फेसलेस हैंड होल्डिंग ऑफ द टैक्स पेयर्स टू ई फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न क्विकली एंड करेक्टली। देखिए, यहां पर इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न क्विकली एंड करेक्टली, यानी आप जल्दी से भर पाए और बिल्कुल सही सही भर पाए, इसलिए यह इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है। फ्रॉम द असेसमेंट ईयर टैक्स पेयर्स विल सी एन इम्प्रूव्ड फॉर्म 26AS विच वुड कैरी सम एडिशनल डिटेल्स ऑन टैक्स पेयर्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एज स्पेसिफाइड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन SFTs इन वेरियस कैटेगरीज। यानी कि अब ये वेरियस कैटेगरीज में आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका पूरा एक स्टेटमेंट होगा, इसको हम SFTs भी कहेंगे। इट इज स्टेटेड दैट द इंफॉर्मेशन बीइंग रिसीव्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्रॉम द फाइलर्स ऑफ दीज स्पेसिफाइड SFTs इज नाउ बीइंग शोन इन पार्ट ई ऑफ फॉर्म 26AS। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको 26AS के पार्ट ई में मिलेंगी। To facilitate voluntary compliances, tax accountability and ease of e-filing of returns so that the same can be used by the taxpayer to file her or his income tax return ITR by calculating the correct tax liability in a feel-good environment। यानी आप इसमें से अपना टैक्स प्रॉपर तरीके से करेक्ट ढंग से कैलकुलेट कर पाए, इसलिए यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। दिस वुड आल्सो ब्रिंग इन फर्दर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ भी शेयर की जा रही है, जिससे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल सके। द आरडीएल फॉर्म 26AS यूज टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब देखिये, यहां पर हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इसके बारे में पूरी डिटेल वो हमको बता रहे हैं। हमें ये बहुत ध्यान से सुनने की भी जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। द अर्लियर फॉर्म 26AS यूज टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अभी तक हम इसी संबंध में जानते थे कि 26AS में TDS या TCS होता है। टू अपेन बेसाइड सर्टन एडिशनल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ अदर टैक्सेस पेड, refunds and TDS defaults, but now
it will have SFTs to help the taxpayers recall all their major financial transactions so that they have a ready record to enable them while filing the ITR. यानी जब हम ITR फाइल करने जाएंगे तो ये बिल्कुल एक रेडी रेकनर की तरह काम करेगा, हमारे सामने ट्रांसपेरेंसी होगी, पूरे के पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारे सामने हैं, यानी मेजर बहुत सारे ट्रांजैक्शन दिखाई देंगे, बहुत छोटे छोटे ट्रांजैक्शन इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे. इट इज़ फर्दर एक्सप्लेन दैट द डिपार्टमेंट यूज टू रिसीव इंफॉर्मेशन लाइक कैश डिपॉजिट, विड्रॉल फॉर्म, सेविंग बैंक अकाउंट्स. यानी अगर हमने कैश जमा किया है, सेविंग अकाउंट से विड्रॉल किया है, सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री की है, टाइम डिपॉजिट्स यानी FDRs वगैरह, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, परचेज ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, फॉरेन करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, बाई बैक ऑफ शेयर्स, कैश पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ETC. यानी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान से देखना है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको नए 26F फॉर्म्स में मिलने वाली है. अंडर सेक्शन 285BA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर्म फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्संस लाइक बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशंस इश्यूइंग बॉन्ड्स एंड रजिस्ट्रार्स और सब रजिस्ट्रार्स ETC, ये सब इंफॉर्मेशन भी आपको वहां पर मिलने वाली है. With regard to individuals having high value financial transactions, यानी आपके जो high value transactions हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे. High value financial transactions since the finance year 2016 onwards, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ये financial year 2016 से collect होगा. Now all such information under different SFTs will be shown in the new form 26AS. यानी सारी information financial year 2016 से आपको इसमें दिखेगी. It is stated that the form 26AS for any taxpayers from now onwards will display in part E of the form. जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया कि ये 26AS के form में part E में ये सारी information दिखेगी. Different fields such as type of transactions, name of SFT filer. अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी चीजें आपको दिखेंगी, type of transaction, किस तरह का आपने transaction किया है, और name of SFT filer, जो file कर रहा है, जिसने information दी है उसका यहाँ पर नाम होगा, date of transaction, किस date को आपने ये संव्यवहार किया है, सिंगल ज्वाइंट पार्टी ट्रांजैक्शन, सिंगल है या ज्वाइंट पार्टी ट्रांजैक्शन है वो भी यहां पर आपको डिटेल मिलेगी, नंबर ऑफ पार्टीज, कितनी पार्टियां हैं, अमाउंट कितना है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, उसके साथ ही साथ रिमार्क्स भी होगा. यानी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलेगी. फर्दर मोर दिस वुड हेल्प द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स विद अपडेटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन while filing their returns. अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि जब ये सारी इंफॉर्मेशन सामने होगी तो जो भी ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं उनको ये सारी चीजें दिखेंगी और वो अपना मैच कर पाएंगे. लेकिन यहाँ पर अब एक बात और आती है कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर नहीं है तो उनको तो ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर उनको दिख ही रही है, तो उनको अपने रिटर्न में इसको शामिल करना ही करना पड़ेगा. वेयर एज इट विल डिसिस्ट those taxpayers who inadvertently conceal financial transactions in their returns. तो जो लोग conceal कर लेते थे वो अब नहीं कर पाएंगे. The new form 26AS would also have information of transactions which used to be received up to financial year 2015-16 in the annual information returns AIR. तो ये 2015-16 से लेकर के ये एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न में AIR के माध्यम से है, तो ये आपको 26AS जो मिल रहा है ये न्यू 26AS है, और ये पुरानी तरह से केवल TDS TCS आज से संबंधित नहीं है, इसमें बहुत सारी और इंफॉर्मेशन दी गई है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें मैच कराने की जरूरत पड़ेगी. इसमें से हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें इसमें ली जा रही हैं.
यहाँ पर ये एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन लाइक कैश डिपॉजिट, विड्रॉल फॉर्म, सेविंग बैंक अकाउंट्स, सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, टाइम डिपॉजिट्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, परचेज ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, फॉरेन करेंसी, म्यूचुअल फंड, बाई बैक ऑफ शेयर्स, कैश पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ETC। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। धन्यवाद।